ये है शाही एग कोरमा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शशि की रसोई में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ शाही एग कोरमा बना के। यह बहुत सरल रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से बन जाती है। और ये कैसे करके बनाई है और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पूरी देखेगा। दोस्तों प्लीज आप मुझे लाइक कमेंट जरूर करिएगा, धन्यवाद। आइए बनाते हैं एग कोरमा। शाही एग कोरमा बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए 4 से 6 अंडे, आप कितने भी ले सकते हैं। और ये मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज जो मैंने पेस्ट बना लिया है। और इसमें अब ये कुछ कलियां लहसुन की जो मैंने छील के रखी हुई हैं, और ये 1 कटोरी दही, ये अदरक के 3 से 4 अदरक के टुकड़े, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी मैं। और ये है 4 से 5 काजू, ये बादाम जो मैंने भिगा के रखे हैं ये बादाम छील दिए हैं, और ये 6 से 7 कुछ हरी मिर्च। अब इन सब का मैं पेस्ट बनाऊंगी, इसके साथ मैं भी तिल भी मिलाऊंगी काजू बादाम के साथ। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से बनाऊंगी। अब ये देखिए काजू बादाम को ये मैं ये मिक्सी के जार में डाल लूंगी, और ये थोड़े से 2 चम्मच हमने ये सफ़ेद तिल लिए हैं, इनको भी हम एक पीस के एक पेस्ट बना लूंगी। तो ये देखिए ये काजू बादाम का पेस्ट बन के रेडी हो गया, अब हम फोक की सहायता से सबसे पहले अंडों में ऐसे करके छेद कर लेंगे, ताकि अंडे थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे, फ्राई करते समय ये फटे ना। और अब गैस में रख देंगे ये कढ़ाई, गैस कर देंगे हम। इसमें मैं डालूंगी पहले ये सरसों का तेल, पहले अंडे हल्के फ्राई करेंगे। और 1 चम्मच ये देसी घी, आप चाहे मक्खन भी डाल सकते हैं, कोई सा स्वाद इससे और अच्छा जाएगा। और अब ये धीरे धीरे अंडे फ्राई कर लेंगे। देखिए एग हल्के ब्राउन हो गया, तो फिर हम निकाल देंगे एक एक करके। और अब तड़के में देखिए सबसे पहले मैं डालूंगी ये दालचीनी का टुकड़ा, और ये तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, और ये 7-8 काली मिर्च और 3-4 लौंग डालेंगे। और अब ये प्याज का पेस्ट भी बना है। प्याज भी हल्के से ब्राउन होने देना है। देखिए प्याज थोड़ी ब्राउन सी हो गई, अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी इलायची, इसका भी अच्छा स्वाद आएगा। और अब ये डालेंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से पकने देंगे। और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, इसको हम थोड़ा ढक के पका लेंगे। ये मसाला ये पक चुका हमारा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब डालूंगी मैं इसमें ये काजू बादाम और ये तिल का पेस्ट, और ये पानी डाला हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये मिक्सी के जार में जो मसाला बाकी रह जाता है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जार धो के भी मैंने एक ग्रेवी इसमें बना दिए, और 4 से 5 मिनट ये ग्रेवी भी हम पकने देंगे मीडियम आंच में। 4 से 5 मिनट हो गए, देखिए वाह ग्रेवी बड़ी अच्छे से पक गई हमारी। और अब मैं इसमें डालूंगी ये दही, फेंटी हुई दही थी, और अब ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला और गरम मसाला मिक्स करके।
इसकी वाइटनेस देख के बहुत अच्छा सा कलरफुल हो गया। और अब डालेंगे हम इसमें ये एग। दो से तीन मिनट और पकने देंगे इसे। तो ये बनके रेडी हो गया हमारा शाही एग कोरमा। और अब हम इसमें डाल देंगे ये हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हो। और ये आप ये शाही एग कोरमा आप चाहे तंदूर के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाइए दोस्तों। और देखिए बहुत ही लाजवाब ये बना हुआ है। और लाइक सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। और भी अच्छे अच्छे रेसिपी लाऊंगी। धन्यवाद। बाय बाय।